नमस्कार। भारत में इन दिनों जितने विदेशी मेहमान आ रहे हैं वह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आए दिन विदेशी मेहमानों के साथ फोटो शूट दिखता है। ऐसे में सोचा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति सुपरहिट है। भारत ने चीन पाकिस्तान को विश्व राजनीति में हैसियत दिखलाई हुई है। ऐसा सोचना मुगालतों में जीना है, इसलिए कि किसी भी देश की विदेश नीति तभी सफल मानी जाती है जब पड़ोस के देश या तो उससे घबराते हों या उसके गहरे दोस्त हों। उस नाते भारत का पड़ोस इस समय चीन पाकिस्तान के प्रभाव में अधिक है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल में कहा था कि भारत को पड़ोसियों से रिश्ते सुधारने चाहिए। मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश सब में चीन ने अपना दबदबा भारी बना रखा है। इस पर अब मेरी वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक से बातचीत है। वैदिक जी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग आए दिन विदेशी मेहमानों का स्वागत करते हुए उनके साथ फोटो शूट कराते हुए दिखलाई देते हैं। क्या ये हमारी विदेश नीति की उपलब्धियां नहीं है क्या कि तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आकर 26 जनवरी को आए, जैसे पूरा आसियान के सारा समूह आ गया, सब कुछ, मतलब इतनी नेताओं की भीड़ आई है भारत में पिछले 4 सालों में कि ये अभूतपूर्व दौर था विदेश नीति का? अभूतपूर्व है। हाँ। और इसका बड़ा भारी उपयोग भी है। हाँ। और शुरू में पूरे देश को और दुनिया को ये लगा भी कि जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो भारतीय विदेश नीति की दृष्टि से अपूर्व और चमत्कारी काम है। लाखों लोग उनकी सभाओं में, विदेशों में इकट्ठे हुए, उनके भाषण सुने, उनसे उनको प्रेरणा मिली, उन देशों के नेताओं को समझ आया हाँ कि भाई ये लोकप्रिय प्रधानमंत्री। भाषण जब भारत की जनता ने सुने तो उसका भी गर्व से सीना फूला कि देखो हमारा प्रधानमंत्री विदेश में जाके भारत का झंडा फहरा रहा है। उस दृष्टि से बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आप देखें कि हो क्या रहा है। अभी एक खबर मेरे सामने आई पिछले दिनों कि किसी ने याचिका लगाई कि एयर इंडिया में कुल कितना खर्चा हुआ है प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं में। विदेश मंत्रालय ने इस खबर को छुपा लिया, इस सूचना को दी नहीं। तो मेरा ये कहना है कि अरबों रुपये इस पर खर्च होता है। विदेशी मेहमान यहाँ आते हैं, हमारे नेता वहाँ जाते हैं, वो जाना जरूरी भी है, लेकिन जिस तरह से हो रहा है एक दिन ऐसा नहीं गुजरता है। कई बार तो ये होता है कि दो दो तीन तीन मेहमान विदेशी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत में होते हैं। एक बम्बई में बैठा है तो एक दिल्ली में बैठा है, एक कहीं बेंगलोर में बैठा है तो एक अहमदाबाद में बैठा है। ये बराबर चल रहा है और दो दो तीन तीन चार चार तो ये सात सात दिन रहते हैं भारत। हाँ। उन पर लाखों रुपया रोज खर्च होता है। तो इस पर भी कोई जांच बैठनी चाहिए कि क्या मतलब है इतना पैसा खर्च करने का। और फिर आप देखें कि विदेश नीति की स्थिति क्या है। सारे पड़ोसी देशों से इस समय एक भी देश ऐसा नहीं है कि जिससे हमारे संबंध हम कहें कि श्रेष्ठतम है। नहीं, भूटान से तो अपने श्रेष्ठतम अपन में ऐसा है। भूटान से भी नहीं है। भूटान में हमारे विदेश सचिव पिछले दिनों गए थे, चुपचाप गए, ज़्यादा उसका प्रचार भी नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या, दोकलाम के मामले में हमको अभी तक ठीक से पता ही नहीं है कि वास्तव में भूटान का रवैया खुद का क्या स्टैंड है। वो इस पचड़े में पलटना चाहता है या वो नहीं चाहता चीन से उलझना? हाँ, भूटान चीन से उलझना नहीं चाहता। और चीन उनको ये ऑफर कर रहा है कि उत्तर का हिस्सा हम आपको दे दें, दक्षिण का हिस्सा यानी दोकलाम आप हमको दे दें। और दोकलाम से जो वापसी हुई है भारत की और चीन की वो नकली वापसी है, फर्जी वापसी है। उसके बाद उन्होंने वहाँ कई सड़कें बना ली, वो कई तरह की रिपोर्ट है इस बारे में, टैंक वहाँ जमा कर ली जी। तो वो भी खबरें गलत है। एक नेपाल में प्रधानमंत्री बने अभी केपी ओली, सुषमा स्वराज बिचारी वहाँ गई, विदेश मंत्री है, बहुत योग्य है, वो उनको समझा के आए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ओली ने कहा कि चीन के साथ हम खुल के संबंध। हाँ, और चीन ने दोनों कम्युनिस्ट पार्टी में एका करा दिया, हम नहीं कुछ करा पाए, हम कुछ वहाँ स्थिरता नहीं ला पाए, चीन करवा रहा। ऐसे ही म्यांमार वाले के मामले में, बांग्लादेश के मामले में, रोहिंग्या का चीन ने किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप एकदम ठीक कह रहे हैं। ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जिनसे मालूम पड़ता है कि भारत के नेहले पे उन्होंने देहला मार दिया। हम कुछ कर नहीं सके। और यही हाल मालदीव में हो रहा है। मालदीव में केंद्र लाचारी भारत की साफ नजर आ रही है। चीन ने वहाँ पर एक द्वीप पर पूरा कब्जा कर लिया, खरीद लिया है, और
उसके बेचने का जो फैसला हुआ और चीन से जो फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट हुआ, 10 मिनट में वहां की संसद ने पारित कर दिया 600 पेज का। तो भारत को सुध थी, न खबर थी और न भारत इंटरवेंशन कुछ कर पाया। और आप देखें ये उसना संसद में यामीन की सरकार अल्पमत में आ गई, लेकिन इसके बावजूद हम कह रहे हैं कि यामीन ने हमको वहाँ नहीं बुलाया इसलिए हम नहीं जाएंगे। अरे भाई, बांग्लादेश में शेख मुजीब ने हमको बुलाया था कि नहीं? वहाँ उनकी सरकार थोड़ी थी, हम गए कि नहीं गए? तो जहाँ अन्याय हो रहा हो और जहाँ स्पष्ट है कि संसद में वो अल्पमत में आ गई तो वो सरकार ही नहीं, उसकी लेजिटिमेसी मतलब हम अपने पड़ोस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दे दिया। हाँ, तो मतलब हम अपने पड़ोस के अंदर अपना जब प्रभाव नहीं है तो वैश्विक स्तर पर हमारी फिर विदेश नीति की क्या दमक है? इसमें हम जो फेल हुए हैं मालदीव के मामले में, ये बहुत बड़ा नुकसान भारत की विदेश नीति को। नहीं, वो आप मालदीव नहीं छोड़े, मेरा ये बुनियादी मुद्दा है कि जब इतनी कूटनीति है, हर प्रधानमंत्री गले लगना, ये सब कुछ है, तो आखिर इसमें एंड रिजल्ट को किस तरह एसेस किया जा रहा होगा कि इससे ये फायदा, ये नफा नुकसान? हिंदुस्तान में तो नमस्कार करने का रिवाज है। हाँ। वो तो हो गया खत्म, अब तो गले लिपटने का हो रहा है। हाँ। उससे क्या हो रहा है? हाँ। देश में क्या ये विदेश मंत्रालय के अफसरों की और उनकी या कैबिनेट उनकी असफलता नहीं है ये कि ये इस तरह कोई बिना दिशाहीनता में हम भटक रहे हैं? समझता हूँ कि नौकरशाही की बहुत बड़ी सफलता है। हाँ। आप उसको असफलता कह रहे हैं। हाँ। कि नेताओं को उन्होंने अपना नौकर बना लिया है। हाँ। नौकरशाही की नौकरी हमारे नेता लोग कर रहे हैं। हाँ। अपने गांठ की बुद्धि तो है नहीं। हाँ। अपने तो सोच नहीं सकते। हाँ। विदेश नीति के मामले बड़े उलझे हुए हैं, नेताओं को फुर्सत ही नहीं है, उनमें योग्यता भी नहीं है। इन्होंने जो सलाहकार रख रखे हैं वो अपना आनंद कर रहे हैं, उनको मालूम है कि साल दो साल टिकना है, उसके बाद तो हमारी नौकरी तो चली। आपके अनुसार माना जाता है और जो समर्थक है या आम जनता में और एनआरआई और उस कम्युनिटी में कि भारत की प्रतिष्ठा पिछले 4 सालों में बढ़ी है, ये विदेश नीति सफल है, इसको लेकर आपका क्या मानना है कि अमेरिका, यूरोप, डोनाल्ड ट्रंप और ये सब मानते हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल व्यापारी आदमी। हाँ, उस व्यापार के मामले में भारत प्रधानमंत्री की वो भी नकल भी निकाली, प्रधानमंत्री की नकल निकाली उन्होंने। हाँ। और वो साफ बात करते हैं। हाँ। जो अमेरिका का फायदा करे। हाँ, अमेरिका का दोस्त। और अमेरिका को फायदा करा के हमारी विदेश नीति का कोई मतलब नहीं फिर? हाँ। ये हमारा फायदा कितना हो रहा है ये बात है। बिल्कुल, हर जगह अमेरिका भारत का इस्तेमाल करना चाहता है और भारत ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का सेकेंड फिडल हो गया है। हर जगह अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाने की बात करता है। अब चीन के साथ भी कितना दबूपना हो रहा है, मालदीव में जो हस्तक्षेप नहीं किया और चीन के डर के मारे। हाँ। अभी आप देखिए, सबसे ख़राब बात क्या हुई है कि हमारे नए विदेश सचिव विजय गोखले ने पी के सिन्हा को, हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी को, एक पत्र लिखा है कि दलाई लामा का 60 साल के भारत आगमन का जो कार्यक्रम हो रहा है पूरे देश में, उसमें कोई मंत्री, कोई नेता और कोई अफसर भाग नहीं लेगा। बताइए, इन्हें इतना चीन से डर गए हैं। हाँ। कि हम दलाई लामा का बहिष्कार कर रहे हैं। हाँ। अरे, चीन को हमें कहना चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए, दलाई लामा को बुलाइए, उनसे बात कीजिए। हाँ। दलाई लामा ने और हमारी सरकारों ने, अटल जी की सरकार ने ये साफ साफ कहा है कि तिब्बत चीन का अंग है। हाँ। जो कि भारत की पारंपरिक नीति के विरोध में है, लेकिन फिर भी कह दिया उन्होंने। जब उन्होंने कह दिया तो फिर इस सरकार का काम क्या है? दलाई लामा से उनका मेल कराना। हाँ। तिब्बत में शांति कराना। हाँ। लेकिन इनकी हिम्मत ही नहीं है हमारे नेताओं की कि बात करें उससे। वैदिक जी, बातचीत यहीं समाप्त करेंगे, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर एपिसोड इमेज के नीचे लाल पट्टी में लिखे सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर दबाएँ, वहाँ जो घंटी है उसे भी दबाएँ, ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।